हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट्स हमारे केप्रिकॉर्नस की एनर्जी क्या है मे सेकेंड हाफ के लिए सो अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी केप्रिकॉर्न है सन मून और राइजिंग आप ये रीडिंग देख सकते हैं ये आपको रेजनेट कर सकता है बट ये एक जनरल रीडिंग है केप्रिकॉर्न सो so जितना रेजनेट करे उतना ही लेना एंड कोई भी एनर्जी को फोर्स मत करना अपने ऊपर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो लेट एस सी लेट एस स्टार्ट सेवन ऑफ कप्स टू ऑफ कप्स वाओ शुड वी नो हयर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ सोर्स नाइन ऑफ पेंटिकल्स ओके दो है एस ऑफ कप्स एंड जी आई सी आपके लव सिचुएशन में अगर शुरू करें आपके लव सिचुएशन से आई सी तार बहुत बड़ा डिसीशन जो लिया जा रहा है एंड आई फील दैट ये आप ले रहे हो आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ लोग uh, आपके पास बहुत सारे प्रोपोजल्स हैं बहुत सारे ऑप्शनज हैं एंड आप काइंड ऑफ इस टाइम पे किसी को हाँ बोल रहे हो किसी को सिलेक्ट कर रहे हो आपने बहुत टाइम से इस पर्सन को फ्रेंड जोन में रखा हुआ था आपने बहुत टाइम से आपने बहुत टाइम लेके सोचा है इस पर्सन के बारे में आई ऑल्सो सी दैट किसी पे आपको थोड़ा सा क्रश डेवलप हो सकता है इस दौरान um, कोई आपको पसंद आ सकता है केप्रिकॉर्नस या पसंद आ सकती है ये जो आपको पसंद आए या मे बी आप एक जेमिना लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो वो भी हो सकता है बट डेफिनेटली आई सी दैट आपको कोई पसंद है यहाँ एम नॉट जोकिंग कोई आपको यहाँ पे पसंद है एंड आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि रीच आउट करना है आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बात करना है इस पर्सन से मुझे इस पर्सन तक पहुंचना है आ, मुझे अपना प्यार कन्फेस करना है या फिर कोई ऐसा आपके तरफ सोच रहे हैं सो so, जैसे रेजनेट कर रहा है वैसे लो बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं एनर्जीज ऑपोजिट भी हो सकते हैं क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं वीडियो को सो so, जैसे रेजनेट कर रहा है प्लीज़ वैसे लेना बट uh, कोई है आप या आपके पर्सन जो फाइनली कन्फेशन के तरफ बढ़ रहे हैं जो फ़ाइनली डिसाइड कर रहे हैं बहुत कन्फ्यूजन हुआ बहुत बहुत सारा डिसीशन मेकिंग हुआ अभी टाइम है कि एक्शन लिया जाए कन्फेस्ट कन्फेस्ट किया जाए अपने प्यार के बारे में बात किया जाए बिकॉज़ ये प्यार बहुत टाइम से छुपा हुआ है या ये एब्सोल्युटली न्यू लव है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको बहुत टाइम से स्टॉक करते थे ये पर्सन आपको बहुत टाइम से इंतज़ार किया है इस पर्सन ने आ, उस राइट right मोमेंट का उस राइट right टाइम का जब ये आके कन्फेस्ट करे आपके सामने जब ये आपको हिंट दे मे बी आपके लाइफ में एंटर करे कम्यूनिकेट करे, कन्फेशन करे, या आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं बट इस पर्सन ने बहुत 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 टाइम से इस इसके बारे में सोचा है आई फील दैट ये कुछ um, ये पर्सन एक बहुत ही इमोशनल या तो एक बहुत ही स्टेबल पर्सन है इनका करियर वाइज ये बहुत अच्छे हैं लाइक like इनका करियर बहुत ब्राइट uh, है या तो ये बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है या फिर ये पर्सन लाइक like, बहुत इमोशनल है अंडरस्टैंडिंग है लाइक इमोशनली अवेलेबल पर्सन है फॉर सम ऑफ़ यू अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके पास्ट से बिलोंग करते हैं आई सी दैट ये पर्सन अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन में है कि लाइक ये एक्शन नहीं ले रहे हैं अगर ये आपके एक्स है या पास्ट पर्सन है आ, या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन चल रहा है टॉक्सिक पैटर्न वगैरह अगर चल रहा है तो ये वो पर्सन है अगर आई सी दैट ये आप पे नज़र रख रहे हैं कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इस पर्सन ने आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है सोशल मीडिया में हो या फिर डायरेक्टली हो या किसी के थ्रू आई डोंट नो बट ये कंटिन्यूसली आपके हर एक एक्शन को देख रहे हैं आई डोंट नो आपके पिक्चर्स देख रहे हैं ये पर्सन लाइक like, अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ये पर्सन सामने नहीं आना चाहते इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल भी लाइक like, आपके मन में उनके लिए आप कोई रेस्पेक्ट ही नहीं बचा लाइक like, आप बिल्कुल लाइक like, आप काइंड kind ऑफ of उनका असली चेहरा देख चुके हो आपको उनका असलियत पता चल गया है सो so आप उन्हें और रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप उन्हें प्यार नहीं करोगे या आप उतना ज़्यादा केयर नहीं करोगे जितना पहले करते थे एंड ये एक वजह है जिस वजह से ये पर्सन चुप है ये पर्सन उस हर्मिट मोड में है ये पर्सन रुके हुए है विदाउट एक्शन ये बहुत जल्दी वापस आने की कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे केप्रिकॉर्न्स बिकॉज दिस इज समी हु जिसे लगता है कि वो आपके नज़रों में गिर गए हैं किसी भी कारण से एंड ये चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप उनके बारे में बुरा सोचो या आप उन्हें respect ना करो या फिर अगर आपको उनके बारे में कोई भी लाइक like, कुछ भी खुलासा हुआ है आपके सामने रिसेंटली ये चीज़ इस पर्सन को पता है एंड ये इस पर्सन नहीं झेल पा रहे हैं सो so, ये काइंड ऑफ लाइक ये इनका एक काइंड ऑफ ज़िद बन गया है कि ये आपके बारे में जानकारी लेंगे आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे लाइक um, like, ये काइंड ऑफ उस साइलेंट स्टेट में है जहाँ पे ये वो सही टाइप ऑफ एक्शन के बारे में सोच रहे हैं लाइक like, ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वापस आते भी है तो क्या लाइक like, क्या हो सकता है क्या उनका मजाक बन जाएगा क्या आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे क्या सिचुएशन आगे बढ़ेगा क्या झगड़ा होगा सो so, क्या हो सकता है काइंड ऑफ एक कॉन्टम्पलेशन पीरियड चल रहा है इस पर्सन के लिए बट ये पर्सन ऑल्सो टू सम समस्टेंट बहुत ज़्यादा इमेच्योर वे में बिहेव कर रहे हैं उनके थाट्स उनका लाइक थाट पैटर्न बोलो एक्शन बोलो या uh, जो भी बोलो बहुत ज़्यादा इमेच्योर टाइप का हो चुका है या हुआ है इस टाइम पे लाइक like, दिस जो सोच के कोई किनारा ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं कैसे क्या होगा कैसे क्या हो सकता है वॉट एवर इट इज आई डोंट नो ओके सो जो लोग सिंगल हो आई सी कि आप लव में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सी दैट आप सेल्फ लव वग़ैरह लाइक आप सेल्फ लव वग़ैरह में बिलीव कर रहे हो ऑल्सो कुछ नए ऑप्शन आने वाले हैं जैसा कि मैंने कहा आपके सामने बट वो आपके ऊपर होगा कि क्या आप चूज कर रहे हो किसी को या नहीं वो एकदम आपके ऊपर है अगर करियर वाइज या फाइनेंस फाइनेंस वाइज देखा जाए कि प्रकॉर्नस ऐसी um, दर आप प्रोग्रेस कर रहे हो आप आगे बढ़ रहे हो बट बहुत स्लोली सो so, जो भी ये ड्रीम है जो भी आप जहाँ जहाँ पे भी आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो ये जो आपका टारगेट है यहाँ पे आई सी यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको यही दिखा रहे हैं इस टारगेट तक पहुँचोगे बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए आप गिव अप नहीं कर सकते एंड ऑल्सो हर एक दिन सक्सेसफुल होगा ऐसा भी नहीं है कभी कभी आप डीमोटिवेटेड फील करोगे कभी कभी आपको लगेगा दैट कुछ कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ उस दिन आपको लगेगा आप स्टक हो आपको लगेगा कि यहाँ पे आप यू नो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है एंड ऑल्सो कभी कभी कुछ ऐसे भी दिन होंगे जब आप बहुत जल्दी आपको लगे कि सक्सेस मिल रहा है आपको आप आगे बढ़ रहे हो आप खुश हो आप सैटिस्फाइड हो मे बी आपको तारीफ़ सुनने को मिला है आप आपके बॉस से या कलीग से या जैसे भी सो आई सी दैट अप्स एंड डाउन्स होंगे इस टाइम पे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है कभी कभी अगर आप डाउन फील करो डीमोटिवेटेड फील करो आपको अप नहीं करना है आपको तभी भी मेहनत करना है बिकॉज आप यहाँ पे जो भी आ, सपना देख रहे हो जो भी प्लान कर रहे हो जो भी आपका टारगेट है ये बिल्कुल अचीव किया जा सकता है के ये अचीव किया जा सकता है बट आपको बस कंसिस्टेंट रहना है आपको बस आगे बढ़ते रहना है आप आगे बढ़ रहे हो आपने बहुत कुछ अचीव किया है ऑलरेडी या तो आप अभी तक का जितना भी आपका आ, स्ट्रगल था या मेहनत था या अप्स एंड डाउनस थे उसके लिए यूनिवर्स आपको लाइक like, अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए यूनिवर्स आपकी तारीफ करना चाहते हैं दैट आपने सच में बहुत कुछ अचीव किया है इमोशनली फिज़िकली मेंटली करियर वाइज फाइनेंस वाइज बस आपको रुकना नहीं है दैट इज़ इट आई ऑल्सो सी यूनिवर्स कहना चाहेंगे करियर में कि हर कोई आपको नहीं समझ पाएगा हर कोई आपको वो रेस्पेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर आपके काम को उतना रेस्पेक्ट नहीं कर पाएगा बट वो आपकी रियलिटी को चेंज नहीं करता है आप जो हो अगर आप खुश हो दैट इज वॉट मैटर्स अगर आप अपने करियर में जितना भी हो अगर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर रहे हो उसी के लिए आप शाबाशी के काबिल हो सो डोंट थिंक कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है तभी जाके आप काइंड ऑफ फ़िट इन करोगे तभी जाके आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वरना नहीं ये गलत सोच है अगर आपने वन परसेंट भी प्रोग्रेस किया है अगर आप कल से बेहतर कर रहे हो आज तो भी आप लाइक like, आपकी वैल्यू है तो भी लाइक like, आपको रेस्पेक्ट किया जा सकता है आपको वैल्यू किया जा सकता है सो so, कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करे कुछ भी कहे उन चीज़ों को सीरियसली मत लो या उन चीज़ों को um, आ, अपने आप को डीमोटिवेटेड करने मत दो बिकॉज आई सी इस टाइम पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको लग सकता है आगे जाके बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड दैट इज वॉट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो ओके सो दैट इज़ वट आई हैव यर Capricorns and आई होप ये आपको resonate करे अच्छा लगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड अगर आप हो अभी भी टेक केयर गॉड ब्लेस यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में टिल द एंड टेक केयर एंड गुड